And welcome back to our channel, What the Fam. हमें ये पूरा वीक हमारे लिए बेस्ट वीक है. मुझे ये वाला देखने का स्पेशली ज्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि हमने थंबनेल में देख लिया है कि इसमें कौन है एंड हमने वो प्रोमो में देखा था थोड़ा बहुत सीन्स राइट. मुझे ऐसा लगता है मुझे अगर वो सिर्फ एज अ मॉडल भी तो उनको दिखाए ना तब भी वो बहुत अमेजिंग लगते हैं क्योंकि उनके जो फीचर्स है उनके फेस पे उनका जो बोल्डनेस दिखता है. आई डोंट नो कि अगर शायद इमरान हाशमी के साथ काम किया अकॉर्डिंग टू याद है कमेंट्स में कुछ बोल रहे थे लोगों ने बॉलीवुड में काम किया लेकिन आई थिंक इमरान हाशमी थे. शी इज सो अमेजिंग एंड वो जा रहे हैं मतलब इमरान के सामने बिकॉज वो एक्चुअली उनका लुक इतना बोल्ड रहता है. वो नॉर्मली भी जैसे दिखती है द वे शी स्पीक्स आई थिंक बहुत बोल्ड लगती है बहुत प्यारी लगती है बहुत इट्स लाइक हॉटनेस. आई एम टेलिंग यू कि अगर ये स्पेसिफिक सीरीज एक मैसेज एक कॉन्सेप्ट या एक वैसा नहीं भी रहा जैसा हम लोग सोचते हुए आए हैं तब भी चलेगा बिकॉज इनमें इसमें वो है. आई नो एंड बहुत हमने वैसे प्रोमो में इसके थोड़े बहुत सीन्स जो डाले हुए थे वो देखे थे. काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है उनका तो आई थिंक जैसे हमने प्रोमो के टाइम में बात किया ऐसे वाले अटायर्स में जब इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स इतने बोल्ड स्पीकिंग कैरेक्टर्स वो बड़े बाप लगते हैं मतलब इट्स लाइक अलग टाइप ऑफ फेमिनिज्म. मैं कह रही हूँ ना अरे वो दिखने में इतना हॉट लगता है ऐसे भाई भयंकर मतलब ऐसा लगता है शिट भी बात कर लो कि उनका जो फेस भी है ना वो इन अटायर्स में और ज्यादा दिख के आता है बिकॉज इवन इफ यू कंसिडर जो उसमें था मौला जल उसमें भी उनका कुछ ऐसा एथनिक सॉर्ट ऑफ थिंग था और इसमें तो अलग ही लेवल की हॉट लगा. अरे मुझे वही सीन याद है मुझे सब पर्दा हटा के मेरे को एक वही सीन याद आता है लाइक एग्जैक्टली. एंड ठीक है फिलहाल देखते हैं इसमें क्या है. जिंदो हमें जिंदो मुझे लगता है किसी का नाम होगा इसमें वही मुझे भी उन्हीं का नाम लगता है देखते हैं देख जुल्म सहने वालों को मजलूम कहना सबसे बड़ा गुनाह है बिल्ली. सबसे बड़े जालिम तो यूं ही हैं जो जुल्म देखकर आवाज ना उठावे. जिंदगी में पहली औरत है जिसने दाद साईं से टक्कर ली. हमारे दाद साईं से जो टकराया है वो तो बस औरत झरना मोम की तरह वे दाद साईं औरत सिर्फ अपने मर्द के लिए मोम वे पर ना औरत जैसा थे पत्थर भी पत्थर ना हुए. ये जिंदा रहे वे इसीलिए तो रोज मरूं मैं. सारी कोठ जाने है कि थारी भैन मारे नौकर बिना कफन के दफन होने वाली चाल ना चल. खेल शुरू हो गया छोटी बीबी. मर दूं तेरा अपनी लगाई ना समाज. वो मरने की ठाण के मारन निकला मारे बिना कौन मरेगा. जिंदो ने जिंदा पकड़ के ला बसा धारा तो चेहरे का रंग फिक्का पड़ गया. तारे जुदाई सुरीले हो गए आंख सहराई लब ढीले हो गए क्योंकि मैं ग्रीन हूं. इतने प्यार से ऐसे इतने डेजर्ट टीजर्स के बारे में क्योंकि मैं ग्रीन हूं ओके She is so fab. इसका मुझे सबसे पहले इसके कॉस्ट्यूम्स के बारे में बात करनी है. इसके कॉस्ट्यूम्स इनके रिंग्स इनके जो नथनी बोलो इनका पूरा अटायर बोलो पूरा सेट बोलो इट्स सो 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 गुड. वो जो उस सीन में जब उनका वो घूंघट हटाते हैं और वो जो ओ वाओ हमें एक बहुत बड़ा स्पॉइलर दे दिया इसमें से लग रहा है. हो सकता है सपना देख रही हो सपना नहीं लेकिन ये जरूर हो सकता है कि ये सीन हमें हमारे लिए चीट किया. ये कोई अलग जगह खुलता और वो रिएक्शन और किसी और को मार रहे होंगे
क्योंकि इतना आई डोंट थिंक सो वो वाला पार्ट मेन टीजर में कौन डालेगा ना. इट्स लाइक लो मेन चीज तुम देख लो. बट वाओ द कैरेक्टर्स द एक्टर्स द सेट द कॉस्ट्यूम्स जो सिनेमाटोग्राफी थी इतना सब कुछ परफेक्ट. इतने अच्छे डायलॉग स्ट्रॉन्ग कितना दिखाया है कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया है. इसमें फिलहाल दो फीमेल काफी लीड में लग रही थी. एक जो ब्लैक ड्रेस में झूले पर थे दो बच्चों के साथ जो उसमें थे ना देखो फार्म में यस जो ये जिनको कह रहे थे कि मर्द उतारा लुगाई मत समझ ये मारवाड़ी है पूरा मारवाड़ी है हमें आती है. जिस तरीके से रखा हुआ है वो जानबूझ के वैसे है कि फिर उसके अपोज में चीजें कैसे जाती है. आई नो एंड इसके अंदर जो आई थिंक वो एक टेंट था सबके लैंग्वेज में जो इतना ऐड कर देता है ये चीजों को वो लोग हाई ना समझ. मतलब आई थिंक स्पेसिफिकली जो का कॉस्ट्यूम मैं कह रही हूँ ऐसे बूम हो गई हूँ ऐसा. क्योंकि जो उन्होंने चालू किया था एक सीन में उनका ऐसे एंगल ऐसे था उनकी रिंग देखी तूने इतनी ऊंची वो वाले में कुछ ज्यादा ही उनकी नथनी और सब भाई क्रेजी वर्क. वो जो उन्होंने कहा कि मोम मत समझ वरना तो पत्थर जैसा पत्थर भी नहीं होता है. डायलॉग्स आई थिंक इसकी सब चीजें इतनी परफेक्ट थी. इतना अच्छा लग रहा है ये कॉन्टेंट देख के. ऐसा लग रहा है एक न्यू अब तक हम कुछ और देख रहे थे अब हम कुछ और देखने लग गए ऑल ऑफ अ सडन. हमें इतना एडवांस चीजें मिल रही है इतनी. हम लोग एक्चुअली अभी यही बात कर रहे थे कि अगर इतने चैलेंजिंग टॉपिक्स इतने यूनिक या इतने यू नो नीड ऑफ द आवर टॉपिक्स पे कुछ चल रहा है तो उन्होंने अपने चैनल का नाम बहुत अच्छा चूज किया है कि अगर उन्हें इस तरीके से रिप्रेजेंट करना exactly. है कोई चीज काइंड ऑफ एक चेंज दिखा रहे हैं. एग्जैक्टली एंड दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट. इतना मतलब इतना पावरफुल परफॉर्मेंस था इतना बेस्ट एग्जीक्यूशन था. आई थिंक इससे बेटर नहीं हो सकता था ये. एंड एक्टिंग एक्टिंग सबकी जो हमें लगा कि अभी खत्म होने आ गया और उसके yeah. बाद एक yeah. वो कैमरा स्माइल थी विलन का बेस्ट होता है. क्योंकि वो एक शॉट में उन्होंने जैसा वो इंटेंस लुक प्लस वो लिटरली समझ रहा है एक विलन हारता वो फिर से थोड़ा सा ऊपर आते ही कैसा फील करता है ये वो फेस था. और वो एक गंदी वाली स्माइल जो उनकी अचानक से आई थिंक इतना शार्प था ना उनका एक्सप्रेशन कि इतना स्टिल फेस जैसे एक पिक्चर है और उसके बाद वो एक स्माइल तो वो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा था. आई थिंक थ्रू आउट इतना छोटा सा ऐसा 2 मिनट का सिर्फ ये टीजर था ट्रेलर था लेकिन कितना अच्छा इतना ब्यूटीफुल. आई थिंक ये लोगों ने हम हमेशा जियो को बोलते हैं कि यू नो उनके सेट अच्छे होते हैं ये अच्छा होता है. आई थिंक ग्रीन ने ना वो पार कर लिया बिकॉज वो इतना अच्छे से वो एक रॉ दिख रहा था. वो थिंग इज मिट्टी के वो पूरे शॉट्स इन्होंने हर चीज का एक कॉम्बिनेशन बना लिया यार. एक बहुत डेंजर कॉम्बिनेशन है ये. तुम सेट उतने अच्छे उठाओ तुम कॉस्ट्यूम्स इतने अच्छा काम करो एक्टर्स को बेस्ट लेके आना है. बजट का कोई कॉन्सेप्ट्स और स्टोरीज बजट का कोई टेंशन नहीं है. आई एम लविंग इट. आई फील अब तो ही वाओ नेक्स्ट वीक तक ग्रीन और बहुत सारे टीजर्स निकाल देना चाहिए सो दैट हम हर वीक ग्रीन के ट्रेलर्स पे रिएक्शन लेते रहेंगे. वी आर गोइंग टू बी सो हैप्पी. आई डोंट थिंक मैं इतनी स्ट्रांग फैन गर्लिंग किसी के लिए की हूँ बिना कोई उनका काम देखे जितना मैं इनका कर रही हूँ. क्योंकि हम लोग सिर्फ इनको अब तक ट्रेलर्स और टीजर्स और इन सब में देख रहे बट शी इज सो अमेजिंग. शी इज अ बॉम्ब. मतलब वो उनका फेस है वैसा. एग्जैक्टली उनका फेस है वैसा. इट्स एफर्टलेस. बहुत अच्छा था. बहुत जिंदो ने जिंदा मार दिया ऐसा क्या था वो डायलॉग लास्ट में. जिंदो ने मैंने मिस कर दिया होगा ऐसे अच्छा नहीं आ रहा था कुछ तो एंड में मुझे ऐसे मन कर रहा है मैं वापस देखूं. और हम लोग एक्चुअली ये देखने के बाद देखेंगे भाई. हम हर टीजर को वापस देख रहे हैं. अच्छा अभी नहीं लोगों को स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा लेकिन इसके सब एक्टर्स ओ माय गॉड इतना अच्छा वो इसके कैमरा एंगल्स इतने ब्यूटीफुल है. वो जैसे ये सीन भी तो था जहाँ पे आई गेस वो उनके हस्बैंड थे जो टंग रहे थे. देखना शुरू जो ओपनिंग सीन था उसमें किसी के पैर थे सिर्फ जैसे किसी को लटकाया गया है. यहाँ पे देख अभी आईज के एक्सप्रेशन ये रहा काफी शुरू में ही था वो टंग नहीं रहे टंग रहे वो उनके पैर ये रहा वो टंग रहे और फिर वो उनको ऐसे लेके जा रहे हैं सीन में आगे. वाओ बोल मजा आ जाएगा यार. हमें बोलो ग्रीन को बोलो कि
ये टॉपिक्स इतने अच्छे हैं कि ये शोज ऑलरेडी इतने लोग देखने वाले हैं, बट इफ कोई रिव्यू करके अगर उसको थोड़ा सा भी और ऑडियंस तक लेके जाना चाहता है, इट्स अ गुड कॉज. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ. बहुत मजा आ रहा है हमें कॉन्टेंट देखते हैं, मन करा सब यही देखते रहे. थैंक यू, घर काम है. बाय बाय, टाटा, थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो.